खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां देर शाम स्कूल के पिकनिक टूर से 51 छात्रों को लेकर उन्नाव लौट रही प्राइवेट बस व रॉन्ग साइड से आ रही डीसीएम में सीधी भिड़ंत हो गई। जोरदार टक्कर लगने से बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बस का अगला हिस्सा फ्लाईओवर पर अटक गया और बस नीचे गिरने से बच गई। बस सवार बच्चों व स्कूल स्टाफ में चीख पुकार मच गई। इस दौरान 3 छात्रों के अलावा बस चालक व कंडक्टर फ्लाईओवर के नीचे गिरने से हड़कंप मच गया। पुलिस व राहगीरों ने बस में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया। हादसे में घायल 8 बच्चों समेत 11 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना पर डीएम जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जानने के साथ ही सीएमओ को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल, सीओ सिटी, एसडीएम मौजूद रहे। लगभग 7 बजे कानपुर लखनऊ हाईवे पर उन्नाव लखनऊ बाईपास के पुल के ऊपर एक बस की एक पहले पिकअप से एक्सीडेंट हुआ, फिर दोबारा जाके डीसीएम से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बस में स्कूल के बच्चे जो टूर से आ रहे थे बैठे हुए थे, जिनमें 3 बच्चे घायल हो गए हैं और डीसीएम का ड्राइवर और खलासी और पिकअप का ड्राइवर कुल 6 लोग घायल हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, किसी भी प्रकार की कोई गंभीर इंजरी नहीं है और जो भी अन्य पक्ष उसकी जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।